नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में, मानचित्र के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी विश्व की प्रमुख जल धाराओं के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख खाड़ियों के बारे में और उनकी अवस्थिति देखेंगे, विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ और उनकी अवस्थिति। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर खाड़ियाँ होती क्या है। खाड़ियाँ समुद्री पानी के ऐसे जलाशय होते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से तो जुड़ी हों, लेकिन इसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो। ध्यान दें कि समुद्री तट में छोटे से मोड़ को यह दर्जा नहीं दिया गया खाड़ी का, और ये केवल महत्वपूर्ण क्षेत्र वाले जलाशयों को ही खाड़ी बुलाया गया। खाड़ी की बात करें, अंग्रेजी में खाड़ी के लिए दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। पतली खाड़ियां को आमतौर पर गल्फ कहते हैं और चौड़ी खाड़ियों को हम लोग बे कहा जाता है। हालांकि इसके विपरीत प्रयोग भी अंग्रेजी में विचलित है। इसके अतिरिक्त वाइट और साउंड भी कभी कभी खाड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। अरबी भाषा में खाड़ी को खलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीज। तो आपको सिंपल शब्द परिभाषा याद रखनी है। खाड़ी समुद्री समुद्री पानी के ऐसे जलाशय को कहते हैं जो किसी ओर से सागर या महासागर से जुड़े हों, लेकिन जिसके इर्द गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो। जैसे हम लोग बता सकते हैं अकाबा की खाड़ी, अदन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। चलिए अब एक बार हम लोग विश्व के मानचित्र पर नजर डाल लेते हैं, जिससे आपको अनुभव रहेगा। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें कुछ खाड़ियों के हम लोग जान लेते हैं, फिर बाकी मैप में देखेंगे दूसरे में। जैसे ये आपका लक्षद्वीप सागर, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर है, ये आपकी अदन की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, ठीक है। ये थाईलैंड की खाड़ी है। क्या? थाईलैंड की खाड़ी है। महान ऑस्ट्रेलियाई खलीज है, ठीक है। ये आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। जैसे यहाँ गिने की खाड़ी है, ये आपका एशिया हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और ये आपका यूरोप हो गया पूरा। कुछ देश जैसे तुर्की, रूस आपका यूरोप में भी सम्मिलित है और एशिया में भी, ठीक है। ये आपका ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, जिसमें मैक्सिको हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, कनाडा, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है। ऊपर आपकी हडसन की खाड़ी है। आपको ये देश याद रखना है कि कौन स्थिति कहाँ है इनकी, क्योंकि अभी आगे हम लोग मैप्स में बात करेंगे तो उनकी स्थिति जान लेंगे बिल्कुल क्लियर, ठीक। चिली है, ये दक्षिण अमेरिका में, चिली, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना, सुरीनाम, ये ओरेगवा, ओरेगवे, अर्जेंटीना, ठीक है। तो ये है आपकी पृथ्वी, एक बार देख लीजिए। ये है आपका मैप्स, ये आपका पूरा एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये अफ्रीका हो गया पूरा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है। अब देखते हैं हम एशिया से शुरू करते हैं खाड़ियां, क्या करते हैं एशिया से। तो आपकी सबसे पहले बात करते हैं सेली खुआ की खाड़ी। ये है आपकी सेली खुआ की खाड़ी। कौन सी? सेली खुआ की खाड़ी। ये आपकी है ओखोटस्क सागर में। कहाँ है ये आपके? ओखोटस्क सागर में, ओखोटस्क सागर में, रूस में, ये ठीक है। सेलिकुआ की खाड़ी आपकी ओखोटस्क सागर में है और ये है आपकी रूस में। फिर आपकी ये कोरिया की खाड़ी।
कोरिया की खाड़ी को याद रखिए कि ये जापान सागर में है। कोरिया की खाड़ी कहाँ है? जापान सागर में। ये आपकी कोरिया व जापान में है, ठीक है। नीचे चलें तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के बारे में याद रखिए कि यह हिंद महासागर में आपकी कहाँ है? हिंद महासागर में, भारत व बांग्लादेश के बीच। यही आपकी ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ श्रीलंका और बाकी भारत के बीच। मन्नार की खाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि यह हिंद महासागर में, ये भी आपकी हिंद महासागर में है, भारत व श्रीलंका के बीच। ये आपकी थाईलैंड की खाड़ी है, कौन सी? थाईलैंड की खाड़ी। ये दक्षिणी चीन सागर में है, थाईलैंड में, ठीक है। ये आपकी खंबात की खाड़ी है, कौन सी? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में, ठीक। ये आपकी अरब सागर में। यही आपकी ओमान की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है आपकी, कौन सी? फारस की खाड़ी है। फारस की खाड़ी के बारे में याद रखिए, अरब सागर में है, कहाँ है? अरब सागर में है। फारस की खाड़ी आपकी अरब सागर में है, और यह आपकी अरब प्रायद्वीप के देशों। यही आपकी अदन की खाड़ी है, कौन सी? अदन की खाड़ी, ये भी आपकी अरब सागर में है, यह आपकी ओमान में, ठीक। नीचे चलें तो ऑस्ट्रेलिया की देखें कुछ, तो ये आपकी यहाँ जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, कौन सी? जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, ये आपकी तिमोर सागर में, कौन से? तिमोर सागर में, ऑस्ट्रेलिया में। फिर यही आपकी सार्क की खाड़ी है, कौन सी? सार्क की खाड़ी, ये आपकी हिंद महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया में, किसमें? हिंद महासागर में। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है आपकी तिमोर सागर में, सार्क की खाड़ी है आपकी हिंद महासागर में। ये है आपकी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, ये आपकी है हिंद महासागर में, कहाँ है? हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में। यही है आपकी स्पेंसर की खाड़ी, कौन सी? स्पेंसर की खाड़ी, ये भी आपकी हिंद महासागर में है, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपकी इनकाउंटर की खाड़ी, कौन सी? इनकाउंटर की खाड़ी, ये भी आपकी हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपकी यहाँ है आपकी कार्पोटिया की खाड़ी, कौन सी? कार्पोटिया की खाड़ी, ये है आपकी अराकुआ सागर में, कहाँ? अराकुआ सागर में, ऑस्ट्रेलिया में। ये आपकी प्लेटी की खाड़ी, प्लेटी की खाड़ी, प्लेटी की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में, प्लेटी की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में, न्यूजीलैंड में, ठीक है। बात करते हैं अदन की खाड़ी, देख ही ली है, फिर बात करते हैं सेंट हेलेना की खाड़ी। ये है आपकी सेंट हेलेना की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी आपकी है अटलांटिक महासागर में, कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, ये आपकी दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ आपकी ग्रीनी की खाड़ी, कहाँ की? ग्रीनी की खाड़ी, ग्रीनी की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में है, गोल्ड कोस्ट के देश में, गोल्ड कोस्ट के देश में। ये आपकी सिरते की खाड़ी, कौन सी? सिरते की खाड़ी, सिरते की खाड़ी जो आपकी है ये भूमध्य सागर में है, लीबिया में, कहाँ? लीबिया में। ये आपकी लाइन की खाड़ी, कहाँ है? यह है आपकी लाइन की खाड़ी, कौन सी? लाइन की खाड़ी, यह आपकी भूमध्य सागर में, फ्रांस में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग, यह आपकी बिस्के की खाड़ी, कौन सी? बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में है, फ्रांस व स्पेन के बीच, ठीक है। यह आपकी रीगा की खाड़ी, कौन सी? रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि बाल्टिक सागर में है, लाटविया में। यही आपकी फिनलैंड की खाड़ी है, कौन सी? फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि फिनलैंड की खाड़ी आपकी बाल्टिक सागर में है, रूस व फिनलैंड के बीच, रूस व फिनलैंड के बीच। यह है आपकी यहाँ बोथनिया की खाड़ी, कौन सी? बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी आपकी बाल्टिक सागर में है, फिनलैंड व स्वीडन के बीच, ठीक है। यह आपकी ओब की खाड़ी, कौन सी? ओब,
ओब की खाड़ी आपकी है कारा सागर में, ये आपकी रूस में। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली है। यूरोप, एशिया, यूरोप की देख चुके, एशिया की देख चुके, ऑस्ट्रेलिया की और अफ्रीका की। अब चलते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका, तो ये आपकी यहाँ सेंट मैटियास की खाड़ी, सेंट सॉरी सेंट मैटियास की खाड़ी। इसके बारे में याद रखिए कि जो सेंट मैटियास की खाड़ी है आपकी अटलांटिक महासागर में है, अर्जेंटीना के पास। यही आपकी सेंट जॉर्ज की खाड़ी है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी आपकी, ये भी आपकी अटलांटिक महासागर में है, अर्जेंटीना के पास। ये आपकी ग्रेडे की खाड़ी है, ठीक है, अटलांटिक महासागर में। ये है आपकी पेनास की खाड़ी, पेनास की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में है, चिली के पास। पेनास की खाड़ी आपकी कहाँ है? प्रशांत महासागर में, चिली के पास। ये आपकी पनामा की खाड़ी है, पनामा की खाड़ी भी आपकी प्रशांत महासागर में है, पनामा के पास। ठीक है, ये आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। कैलिफोर्निया की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में। यहाँ आपकी मैक्सिको की खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, ये आपकी अटलांटिक महासागर में, संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको के पास। मैक्सिको की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में है। ठीक, ये आपकी फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में, कनाडा के पास। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में, कनाडा के पास। फिर चलते हैं हडसन की खाड़ी, ये आपकी हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के बारे में आपको याद रखना है कि अटलांटिक महासागर में, कनाडा के पास। बेफिन की खाड़ी, यहाँ की बेफिन की खाड़ी है, बेफिन की खाड़ी के बारे में याद रखिए कि ये आर्कटिक महासागर में है। कहाँ है? आर्कटिक महासागर में, कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य। ठीक है, ये है आपकी यहाँ बूथिया की खाड़ी, ये है आपकी आर्कटिक महासागर में, कनाडा के पास। मैकेंजी की खाड़ी, ये आपकी ब्यूफोर्ट सागर में, ब्यूफोर्ट सागर में कहाँ है? कनाडा में। ये आपकी अलास्का की खाड़ी, अलास्का की खाड़ी आपकी है प्रशांत महासागर में, अलास्का यूएसए के पास। ठीक है, ये थी आपकी प्रमुख खाड़ियाँ। चलिए एक बार हम लोग इनकी स्थिति भी देख ली है, अब इनके पॉइंट भी देख लेते हैं जो आपको याद रखना है। ये आपकी खाड़ियाँ, खाड़ी हो गई, ये महासागर या सागर हो गए जिसमें ये संबंधित राज्य हैं आपके या संबंधित देश। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकी स्थिति, इनके बारे में। बेफिन की खाड़ी, पहली आपकी बेफिन की खाड़ी, ये आर्कटिक महासागर में, कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य। बूथिया की खाड़ी आपकी आर्कटिक महासागर में, कनाडा के पास। मैकेंजी की खाड़ी आपकी ब्यूफोर्ट सागर में है, कनाडा के पास। हडसन की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में है, कनाडा के पास। ठीक है, बेफिन की खाड़ी और बूथिया की खाड़ी याद रखिए आर्कटिक महासागर में, मैकेंजी की खाड़ी ब्यूफोर्ट सागर में, किसमें? ब्यूफोर्ट सागर में, और हडसन की खाड़ी है आपकी अटलांटिक महासागर में, किसमें? अटलांटिक महासागर में। अलास्का की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में है, अलास्का यूएसए के पास। सेंट लॉरेंस की खाड़ी आपकी अटलांटिक महासागर में, कनाडा के पास। फंडी की खाड़ी आपकी, ये भी अटलांटिक महासागर में, कनाडा के पास। कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में है, कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है, संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको के पास। पनामा की खाड़ी प्रशांत महासागर में है, पनामा के पास। पेनास की खाड़ी, ये भी आपकी प्रशांत महासागर में है, चिली के पास। कहाँ है? चिली के पास। सैन जॉर्ज की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, अर्जेंटीना के पास। सैन मैटियास की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है, अर्जेंटीना के पास। लाइन की खाड़ी भूमध्य सागर में है, फ्रांस में। बेस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में, फ्रांस व स्पेन के बीच। बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर में, फिनलैंड व स्वीडन के पास।
रीगा की खाड़ी बाल्टिक सागर में है लाटविया के पास, सीर्ते की खाड़ी भूमध्य सागर में है लीबिया के पास, गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है गोल्ड कोस्ट के देश के पास, सेंट हेलेना की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है दक्षिण अफ्रीका के पास, अदन की खाड़ी अरब सागर में है सोमालिया के पास, फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर में रोसबा फिनलैंड के पास, फारस की खाड़ी अरब सागर में अरब प्रायद्वीप देशों के पास, अदन की खाड़ी अरब सागर में ओमान के पास, मन्नार की खाड़ी आपकी हिंद महासागर में भारत और श्रीलंका के बीच, बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में भारत व बांग्लादेश में, थाईलैंड की खाड़ी दक्षिणी चीन सागर में थाईलैंड में, कोरिया की खाड़ी जापान में है कोरिया व जापान के बीच, जापान सागर में है कोरिया व जापान के बीच, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी तैमूर सागर में ऑस्ट्रेलिया में, सार्क की खाड़ी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट ये भी आपकी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास, स्पेंसर की खाड़ी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास, कारपोटिया की खाड़ी अराकुआ सागर में ऑस्ट्रेलिया के पास, इनकाउंटर की खाड़ी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास, फिलेंटी की खाड़ी प्रशांत महासागर में न्यूजीलैंड के पास, ओप की खाड़ी कारा सागर में आपकी रूस के पास, चिस्सा की खाड़ी बैरेंट सागर में रूस के पास, अर्नाल्डर की खाड़ी बैरिंग सागर में रूस के पास, सेलिकोवा की खाड़ी ओकोटस्क सागर में है रूस के पास। ये थी आपकी प्रमुख खाड़ियां उन जिस सागर में है, वो सागर भी देख लिए और जिस देश के पास है उस देश में भी देख लिए। आगे हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम और उनकी स्थिति देखेंगे, ठीक है।